एक बार ध्रुव महाराज को बहुत अहंकार हो गया, मैंने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने बाल आयु में एकदम भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं तो बिल्कुल बालक था, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, 1-6 महीना थोड़ी सी तपस्या की, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा चलो एक दिन घूमने चलते हैं। घूमते 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 बहुत दूर दूर जंगल में गए, पहाड़ के पास, तो एक पर्वत के पास कुछ विचित्र सा दूर दूसरा पर्वत दिखाई दिया। ध्रुव महाराज ने पूछा वो क्या है, तो बोले चलो दिखाता हूँ। तो वो गए तो बोले अरे ये क्या, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, उनको हृदय को झटका लग गया, बोले इतनी मानव हड्डियों का इतना विशाल पर्वत, इतने मानव हड्डियों का इतना बड़ा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, और इतना भयंकर, इतना विशाल, इतना प्रचुर मात्रा में नरसंहार कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, और फिर इन हड्डियों को इकट्ठा करके यहाँ किसने जमा कर दिया। भगवान ने कहा कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई नरसंहार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी ने हड्डी इकट्ठा नहीं की। बोले क्यों, तो फिर ये इतनी सारी मनुष्य हड्डियाँ कहाँ। बोले तुम पिछले जितने भी जन्म में यहाँ आके तपस्या किए और तुमने यहीं देह त्यागा और तब जाके जन्म में 5 वर्ष की आयु में तुम्हें मिला।